नमस्कार फ्रेंड, मैं अंजू, आपका पैनासोनिक कुकिंग में बहुत स्वागत है। सो आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू। सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी रखे हैं। यहाँ पर मैंने सीडलेस खजूर को सीड्स वगैरह निकाल के एकदम फाइन चॉप कर लिया। अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी से ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बादाम लिया है कट करके, वॉलनट्स, कैशू, 7 सीड्स लिए हुए, मार्केट में आपको इजिली मिल जाती है, खसखस, और यहाँ पर पिस्ता लिया है थोड़ा सा, और कोकोनट पाउडर लेना है। यहाँ पर किसी का भी कुछ मेजरमेंट नहीं लिया है, अंदाज़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है। आपके स्वाद अनुसार आपको, मतलब आपको क्वांटिटी जितना चाहिए उतना आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून जितना घी ले रही हूँ, और सभी ड्राई फ्रूट्स को नाइसली हम रोस्ट कर लेंगे माइक्रो पावर पे। यहाँ पर जो घी है 30 सेकेंड्स के लिए जरा मेल्ट कर लूँ माइक्रो पावर पे। डायरेक्टली आपको यहाँ पर मैं 5 से 6 मिनट लगा दूंगी। ये जो बटर घी था मेरा यहाँ पर नॉर्मल हो गया। अभी से थोड़ा सा ये जो बादाम है, बादाम को हमको नाइसली रोस्ट कर लेना है। सभी ड्राई फ्रूट्स को ही इसी में एक एक करके रोस्ट कर लेंगे बादाम के साथ में। बादाम को हार्डली 1-2 मिनट जरा घी में रोस्ट करेंगे। बादाम जो था हार्डली मैंने 1-1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया। अब यहाँ पे सेम टाइम पे हम कैशू, वॉलनट्स, और ये जो पिस्ता है पिस्ता भी डाल देंगे, खसखस, और जो ये 7 सीड्स है लास्ट में डालेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी रोस्टेड मिलती है मार्केट में। अगर अनरोस्टेड मिलती है तो आप साथ में डाल के इसे भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। इसे भी सभी मिक्स ड्राई फ्रूट्स को अगेन मैं 1 से 2 मिनट रोस्ट करूंगी, टिल मुझे जो क्रंचीनेस ड्राई फ्रूट्स में चाहिए वो आ जानी चाहिए। यहाँ पर जो मेरे ड्राई फ्रूट्स रखे थे रोस्ट करने के लिए, काफी नाइसली फ्रेग्रेंस आ रही है। जब ड्राई फ्रूट्स आपके नाइसली रोस्ट हो जाते हैं तो आपको फ्रेग्रेंस आने लगती है, एंड थोड़ी सी इसमें मेरी ब्राउनिंग इफेक्ट भी आ गई। तो अब ये सब जो खसखस एंड जो 7 सीड्स थे मैं सभी को नाइसली अगेन एक स्टर दे दूंगी, एंड हार्डली इसे भी 30 सेकेंड्स के लिए जस्ट रोस्ट करूंगी। यहाँ पर जो हमारा खोबरे का कोकोनट पाउडर, खसखस, ये सभी नाइसली रोस्ट हो सके, एंड जो 7 सीड्स थे बाउल में हम निकाल लेंगे सभी को। अब इसी में 1 टेबल स्पून जितना मैं घी लूंगी, और जो हमारा यहाँ पर ये खजूर है, सीडलेस खजूर, इसको सभी को नाइसली घी में अच्छे से 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, टिल आपका ये जो खजूर है सॉफ्ट नहीं हो जाए। यहाँ पर जो हमारा खजूर था वो ऑलमोस्ट कुक हो गया नाइसली। आपको इस तरीके से स्मैश करके लेना है ताकि आपके इसमें लम्स इसे बड़े बड़े नहीं हो, इसीलिए बोलते हैं आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर लोगे तो भी चलेगा। सो आपको स्पैचुला के हेल्प से इस तरीके से इसे लम्स नहीं होना चाहिए खजूर के। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है मैं ये सब ऐड कर दूंगी, सभी को नाइसली एक स्टर दे देना। सो यहाँ पर जो हमारा ड्राई फ्रूट लड्डू था ये रेडी है। थोड़ा सा आपके पाम में इस तरीके से घी लगा लेना है, और ये थोड़ा सा गर्म होगा तभी आपको इस तरीके से बड़े बड़े थोड़े से आपके हिसाब से आप लड्डू बना लीजिए। देखिए इस तरीके से आपका हेल्दी ड्राई फ्रूट्स लड्डू विदाउट शुगर रेडी है। इसी तरीके से हम सब लड्डू बना लेंगे। सो हमने हमारा जो लड्डू था सभी तरीके से बना लिए ब्राउन शेप में। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए वीडियो के।